हेलो फ्रेंड्स मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बेसिकली ये वीडियो डेंटल असिस्टेंट्स के लिए है ताकि वो ये समझ जाएँ कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से यूज़ करे जाते हैं ताकि डॉक्टर जब उस इंस्ट्रूमेंट्स को मांगे तो वो राइटली उसको दे सकें ठीक है तो एक एक ट्रे के अंदर हम ऐसे ही अरेंज करके रखते हैं अपने यू वी के अंदर और अब देखते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या क्या काम होता है सबसे पहले हम इस ट्रे को देखते हैं ये मिरर रखे हुए हैं बहुत सारे मिरर्स हैं ऑलमोस्ट ये होंगे ट्वेंटी फाइव मिररर्स के आसपास हमारे क्लिनिक के अंदर ये रूल है हम एक साथ सुबह सारे सारे मिरर्स को स्टरलाइज कर लेते हैं और हम इनको निकालते रहते हैं जैसे जैसे पेशेंट आता है रहता है सेम मे में ही हमारे पास ट्वीज़र है ट्वीज़र कुछ भी होल्ड करने के लिए काम आते हैं और बहुत ही हैंडी इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्सप्लोर और स्ट्रेट प्रोब्स हैं अगर ये मुड़ा हुआ है तो इसको एक्सप्लोरर कहते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका स्ट्रेट यानी सीधा स्ट्रेट प्रोब। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट केरीज को डिटेक्ट करने के लिए काम में आते हैं लेकिन ज़्यादातर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लोर को यूज़ करता हूँ हमारे यहाँ पे ये रूल है कि जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आएगा तो हम तीन चीज़ों का सेट जरूर टेबल के ऊपर रखते हैं एक मिरर एक ट्विजर और एक एक्सप्लोरर ये तीन इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हैंडी होते हैं और हर ऑलमोस्ट हर पेशेंट के अंदर यूज़ होते हैं चाहे वो डायग्नोसिस बनाने के लिए हो चाहे कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए हो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स ये मेरे कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये ब्लू कलर के हैं इसको टैफलॉन कोटेड भी कहते हैं कुछ गोल्ड कलर के आते हैं और कुछ अच्छे आते हैं स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट अलग अलग शेप के होते हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो जैसे ये ट्राइंगर शेप है ये ऐसा बना हुआ है इंटीरियर कंपोजिट करने में काम आएगा ये हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इसको हम प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं और ये कंपोजिट को सिरिंज में से निकाल के कैविटी में प्लेस करने के काम आता है ये हमारा एक तरफ से प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट है और एक तरफ से ये यहाँ पे हमारा फोसा बनाने के लिए फ़िशर्स बनाने के लिए कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट है हालांकि इसका साइज़ बड़ा है इस वजह से मैं इसको बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ सेम वे में एक और ये प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट जैसा है ये पीछे से कंडेंसर है कंडेंस का मतलब कंपोजिट जब हम निकालते हैं तो इससे हम उसको कंपोजिट को प्रेस करते कैविटी के अंदर ताकि वो सारी बॉल्स के ऊपर अडेप्ट कर सके और ये वाला जो एंड है इसको हम प्रोक्सिमली डिज़ाइन करने के लिए कंपोजिट को अडेप्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं इन चारों इंस्ट्रूमेंट से कुछ अलग एक ये इंस्ट्रूमेंट भी है मेरे पास ये यहाँ से छोटा सा ट्राइंगर शेप का है इससे मेरे को फोसा बनाने में कंपोजिट के अंदर बहुत आराम से बन जाता है और मुझे काफ़ी मज़ा आता है ये मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है ये वाला कंपोजिट का एंड काफ़ी पतला है और ये प्रोक्सिमली कंपोजिट को अडेप्ट में एक्स्ट्रा कंपोजिट्स निकालने के अंदर काफ़ी हैंडी होता है सबके अपने अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं मैं अपने क्लिनिक के अंदर कुछ ऐसे कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता हूँ मेरे पास इसे अलग भी स्टाइल इटेलिनो के इंस्ट्रूमेंट है वो कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा वो स्पेशल केसेस के अंदर मैं उनको यूज़ करता हूँ नेक्स्ट ये इंस्ट्रूमेंट ट्रे है हमारे पास इसमें कुछ फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं मेरे पास अब ये देखिए वो पहले हमने जो बात करी थी वो टेफ्लोन कोटेड या गोल्ड कोटेड ये थे वो कंपोजिट के लिए इस्तेमाल होते हैं ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट है ये मैं जी आई सी या अमलगम फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ हालांकि मैं अमलगम फिलिंग को आज के टाइम में नहीं करता लेकिन अगर आप अमलगम फिलिंग को करते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं ये स्टेनलेस स्टील के हैं इनमें से एक एक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं सबसे पहले है हम प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट का अगेन मतलब ये है कि ये आपको फिलिंग उठा के डॉक्टर तक पहुँचाने के अंदर मदद करेगा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है ये गोल बना हुआ है यहां से अगर आप देख सकते हैं तो ये कंडेंसर कहते हैं हम इसको ये फिलिंग को कंडेंस करने के लिए कैविटी के अंदर घुसाने के लिए दबाने के लिए काम आता है ये दोनों सेम इंस्ट्रूमेंट है ये टी बर्निशर भी कहते हैं कुछ लोग इसको एक तरफ से ये आप देखिए ये बॉल बर्निशर बना हुआ है ये इस तरफ से प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट है और इस तरफ से ये ट्राइंगर फोसा बनाने के लिए है इसे हम फिलिंग को अडेप्ट करते हैं इससे मार्जिन के ऊपर मर्ज करते हैं और इस वाले एंड से उसके फोसा को डिजाइन करते हैं फिर इस ट्रे के अंदर ये हमारे पास ये दो इंस्ट्रूमेंट और रखे हुए हैं इनको हम क्यूरेट्स कहते हैं अगर आप इनको टिप्स को देखें तो ये बहुत शार्प टिप्स हैं क्यूरेट्स बहुत तरीके के आते हैं ये फिलहाल दो यूनिवर्सल क्यूरेट्स हैं ग्रेसी क्यूरेट्स भी काफ़ी यूजफुल होते हैं वो मैं अलग से रखता हूँ वो स्पेशल पेरिडोनटल केस के अंदर मैं निकालता हूँ ये जो क्यूरेट्स हैं ये सब जनजाइवली जाते हैं यानी मसूड़े के अंदर जाते हैं और रूट्स को क्लीन करने में मदद करते हैं ये दो शेप के अंदर आते हैं फोर आर एंड टू एल इन दोनों के ऊपर ये नंबर भी लिखा हुआ है देखिए फोर आर फोर एल एंड टू आर टू एल ये अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करे जाते हैं ये खासकर जिनको पेरीडोटल प्रॉब्लम है मसूड़े की दिक्कत है उनके अंदर यूज होते हैं हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्पून एक्केवेटर स्पून इसका नाम स्पून चम्मच बिल्कुल ये छोटी सी चम्मच है और ये बहुत शार्प होती है ये डेंटल कैविटी के अंदर उसको क्लीन करने के अंदर काम आती है यानी अब मान लीजिए कि कोई दांत केरियस है उसमें कीड़ा लगा हुआ है तो अगर आप इसकी मदद से उसको एक्सकेवेट करेंगे इसको स्क्रेप करेंगे तो यहाँ पे डेंटिन लगा हुआ आएगा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसे टकर कहते हैं ये ऑर्थोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट है मेरे किसी असिस्टेंट ने गलती से इस ट्रे के अंदर रखा हुआ है ये ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट के साथ होना चाहिए अब क्योंकि ये मेरे पास आ गया है तो मैं बता देता हूँ ये वायर को सिंच करने में मदद करता है ये एक तरफ से स्ट्रेट है एक तरफ से कर्व्ड है ये ऑर्थोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट है नेक्स्ट हमारे पास जो अब ट्रे है इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है इसे मिनी सोटा रिट्रैक्टर भी कहते हैं ये बेसिकली सर्जरी के अंदर काम आता है ये टंग को या चीक को रिट्रैक्ट करने में मदद करता है ताकि जो डॉक्टर है उसको जो फील्ड है वो बिल्कुल सही से दिख सके नेक्स्ट है इसे पी जी ट्वेंटी फोर भी कहते हैं ये एक तरफ से मसूड़े को रिट्रैक्ट करने के लिए यानी अगर कोई दांत की सर्जरी कर रहे हैं इम्प्लान डाल रहे हैं तो ये फ्लैप को पकड़ने में काम आता है और इस तरफ से अगर कोई असिस्टेंट काम कर रहा है तो उस फ्लैप को होल्ड करने के लिए काम आता है ताकि जो सर्जिकल फील्ड है वो क्लियरली विजिबल हो सके ये नेक्स्ट एल टाइप का ये रिट्रैक्टर है का मतलब होता है कि हटाना और रिट्रैक्टर मतलब हटाने वाला इसका मतलब क्या है कि ये जो एल टाइप का है ये ज़्यादातर इम्पेक्शन की सर्जरी के अंदर यूज़ करते हैं जब अक्ल दाड़ को निकालने हो खासकर नीचे वाली इसमें ये दो बीक्स बनी हुई है ये डेंटिस्ट उस फ्लैप के अंदर होल्ड कर लेगा उसको और आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं उससे नेक्स्ट दो इंस्ट्रूमेंट हैं ये मेरे पास ये पेरियस्टल पेरिय। पेरिय। एलिवेटर है एक तरफ से ये पतला बना हुआ है एक तरफ से ये चम्मच जैसा बड़ा सा बना हुआ है इन दोनों की मदद से हम फ्लैप को हटाते हैं और फ्लैप का डिज़ाइन तैयार करते हैं ये दिस इज वैक्स गेज ये काम किस वक्त आता है जब आप क्राउन कटिंग करेंगे और वैक्स बाइट लेके देखे तो उसके अंदर थिकनेस कितनी है इस वजह से इसको मेजर करने के लिए इसको काम में लेते हैं ये वैक्स गेज यानी वैक्स को की थिकनेस को नापने वाला ये मोटा सा इंस्ट्रूमेंट है शेल्डेन ये मेरा फेवरेट रिट्रैक्टर है क्योंकि इसका जो हैंडल है ये बड़ा मोटा है और इसको जब हम रिट्रैक्ट करते हैं फ्लैप को गाल को इससे हमारे हाथ दुखते नहीं है अगेन ये सर्जरी में काम आता है अगेन अब इस ट्रे में देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या है ये हमारी सीजर है नॉर्मली सीजर सिर्फ ये वाली जीपी कटिंग के अंदर यूज होती है और किसी चीज में काम नहीं आती है ये हमारे पास अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्के हल्के छोटे छोटे से बीक्स बने हुए हैं एंड जो ये ट्वीजर टाइप का जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही डेलिकेट है ये फ्लैप को होल्ड करने में काम आता है ये खासकर पेरीडोंटल सर्जरी में यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे जो पेपिला है वो बहुत डेलिकेट है तो उसको होल्ड करने में या सूचर करने में मदद करता है हमारी यह हमारे पास बोन कटर है यह बोन कटर खासकर ये बहुत शार्प है ये यहाँ से ये बोनी स्पिक्यूल हो या जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो कोई बोनी स्पिक्यूल दिख रहा है तो आप उसको इससे कट कर सकते हैं ये हमारे पास दो बीपी ब्लेड के होल्डर हैं एक स्ट्रेट है एक कर्व्ड है स्ट्रेट तो मैक्सिमम नाइन्टी परसेंट स्ट्रेट ही यूज होता है हर तरीके की सर्जरी के अंदर लेकिन जो ये कर्ड है ये खास खासकर प्रोक्सिमली एंड के ऊपर हमारे को काफ़ी मदद करता है वहाँ पे आ, कट इंसीजन देने के अंदर ये अगेन स्पून एक्सकेवेटर का ये बड़ा भाई है अगर आप देख सकते हो तो ये दो स्पून बनी हुई है अलग अलग शेप की इसे बोन क्यूरेट कहते हैं यह कब यूज होता है जब हम एक्सट्रैक्शन कर देते हैं और उस सॉकेट को हमें क्लीन करना हो तो ये काफी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है एक बोन के सॉकेट के अंदर कई बार ग्रैनूला होता है या कोई भी डेबरेज है या उसको क्लीन करने में मदद करेगा आपकी यह भी बीपी ब्लेड हैंडल ही है कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं है यह हमारा सूचर होल्डिंग फोर्स है इससे फ्यूचर सूचर लगाने के अंदर मदद मिलती है और ये हमारा सूचर कटिंग सीजर है ये भी काफ़ी हैंडी में काम आती है अगर खासकर इम्पेक्शन जहाँ इम्पेक्शन सर्जरी के अंदर जहाँ पे बिल्कुल एंड में सूचर लगा हुआ है उसको ये सीजर यही कट करेगी आप दूसरे सीजर लेंगे तो उस सूचर को ठीक से कट नहीं कर पाएंगे आप फ्रेंड्स ये सारे हमारे पास फोरसेप्स हैं टीथ को निकालने के लिए ये अलग अलग टीथ को निकालने के लिए अलग अलग यूज़ होते हैं अगर आप ये देख सकते हैं तो ये कुछ कर्व हैं ऐसे टेढ़े नाइन्टी डिग्री पे और ये कुछ स्ट्रेट हैं जो ये स्ट्रेट हैं ये अपर में यूज़ होते हैं और जो ये नीचे के हैं ये आपके लोअर में यूज़ होते हैं आप एक्स्ट्रेक्शन फोरसप की एक अलग से इंस्ट्रूमेंट की वीडियोस बना लेंगे लेकिन अभी जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लेते हैं कौन सा क्या है ये हमारा इन दोनों की बीक्स मिल नहीं रही हैं तो यानी ये हमारा लोअर प्रीमोलर फोर्सअप है ये बीक्स मिल रही हैं और ये काफी शार्प है अगर आप देखेंगे तो इसको ये लोअर रूट फोर्स एप है ये काउ होन है काउ होन मतलब कि ये सिंग जैसे बने हुए हैं काउ के तो ये आपके मोलर्स की रूट को निकालने में मदद करते हैं ये हमारा लोअर मोलर फोर्स है जिनकी दो बीक्स बनी हुई हैं का आप देख सकते हो ये दोनों मोलर लोअर के अंदर फंस जाते हैं और उसको निकालने में काफी मदद करते हैं पहले इन दो फोरसएप को देखते हैं अगर आप ये देखें एक का हैंडल ऐसे कर्ड है और इसका बिल्कुल स्ट्रेट है जो कर्व वाला है ये प्रीमोलर फोर्स है इसको प्रीमोलर के लिए यूज करते हैं और जिनका ये बिल्कुल स्ट्रेट है वो इंटीरियर को यूज़ करते हैं कई कंपनीज इसको मिला हुआ भी बनाती हैं बीक्स को और कई कंपनी नहीं बनाती जैसे इसमें दोनों बिक्स मिल नहीं रही हैं लेकिन क्योंकि हैंडल स्ट्रेट है तो ये इंटीरियर फोरसैप है और क्योंकि ये हैंडल कार्ड है ये प्रीमोलर फोरसैप है ये अपर मोलर फोरसैप अप है इसमें एक तरफ ये बीक है और एक तरफ ये फ्लैट है कर्ड है थोड़ा सा जो ये बीक है ये बक्कल बोन के दोनों बीच में इंगेज होगा और जो ये कर्ड है ये पैलेटल रूट की तरफ इंगेज होगा तो इसलिए ये दो होते हैं लेफ्ट एंड राइट मेरे ख्याल से एक हमारा यूज हुआ होगा या गंदा पड़ा हुआ है इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट ट्रे में नहीं है ये दोनों काव होन फोर्प्स हैं अगेन अगर मोलर का क्राउन टूट गया है तो ये रूट्स को निकालने में मदद करते हैं अब इसमें एक तरफ बीक है और ये इस तरफ दो बीक है जिस तरफ ये सिंगल वीक है ये दोनों बक्कल बोन के बीचों बीच, बीच फर्केशन एरिया में इंगेज होगी और ये पैलेटल रूट को इंगेज करने में काफी मदद करेंगे अगेन ये भी लेफ्ट एंड राइट में आते हैं ये हमारा विजडम अपर विजडम टूथ को निकालने के लिए इसका जो ये शैंक है ये काफी लंबा है और ये आसानी से उसको ग्रिप करने में मदद करता है ये दोनों हमारे रूट फोर्स है ये दोनों की बीक्स देखो मिली हुई है एक की पतली है और एक की मोटी है बस मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग में यूज़ करता हूँ इन दोनों को अलग अलग केस के अकॉर्डिंगली यूज़ करता हूँ अब ये हमारी लास्ट इंस्ट्रूमेंट रही है इसके अंदर हमारे ये एलिवेटर्स रखे हुए हैं इनमें अलग अलग एलिवेटर्स हैं देखते हैं उनको क्या क्या कहते हैं पहले ये तीन जोड़ीदार हैं इनको कहते हैं हम रूट पिक एलिवेटर्स एक के अंदर ये स्ट्रेट है और दो कर्व है दो कर्व अलग अलग डायरेक्शन के अंदर है जैसे कोई मीजियल रूट को निकालने में काम आएगा कोई डिस्टल को, रूट को निकालने में काम आएगा और ये स्ट्रेट सिंगल रूट्स को निकालने में काम आएंगे ये काफ़ी शार्प है अगर रूट स्टम्प्स बची हुई हैं तो ये काफ़ी अच्छे से इंगेज हो जाते हैं बोन सॉकेट और रूट के अंदर और उसको बड़ा ईजिली रिमूव कर देते हैं फ्रेंड्स ये दोनों एलिवेटर बिल्कुल सेम है इन दोनों के अंदर सिर्फ थिकनेस का फ़र्क है यानी ये थोड़ा पतला है ये थोड़ा मोटा है इनको कूपलैंड एलिवेटर्स भी कहते हैं ये दोनों यूज़ अगेन टूथ को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं अगर मोटा पतला इसलिए चाहिए अगर स्पेस ज़्यादा है तो मोटा यूज़ होगा और स्पेस कम है तो पतला यूज़ होगा ये अगेन ये भी दोनों स्ट्रेट एलिवेटर है आप ये स्ट्राइरेशन देख रहे हैं ये दोनों मेरे पे सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है और इनको लिंडो एलिवेटर्स भी कहते हैं या अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से भी आपको मिलेंगे मैं एक्सट्रैक्शन में ऑलमोस्ट मेरी 90 परसेंट एक्स्ट्रेक्शन सिर्फ यही एलिवेटर कर देते हैं ये स्टारेज है नहीं है अच्छे से ग्रिप बना लेते टूथ को के पास और उसको हिलने नहीं देते मेरे इंस्ट्रूमेंट स्लिपेज नहीं होती और मैं सबसे ज़्यादा लग्जेट इन्हीं से करता हूँ ये मेरा एक्सट्रैक्शन का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आप अगर इसके बीक देखें तो ये काफ़ी लंबी और पतली है ये आसानी से पेरीडोंटल स्पेस के अंदर घुस जाती है और फर्स्ट टाइम के अंदर जहाँ पे बिल्कुल स्पेस कम है इंटरडेंटली तो वहाँ पे भी ये अच्छे से इंगेज हो जाती है लेकिन क्योंकि इसकी बीक पतली है तो मैं इससे उसको ज़्यादा लग्जेट नहीं कर सकता टूथ को क्योंकि ये टूट सकती है फ्रेंड्स एलिवेटर्स तो और भी तरीके के हो सकते हैं बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है मैक्सिमम मैं यही यूज़ करता हूँ खासकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्रायर जो मैं इसमें है नहीं वो भी लेफ्ट एंड राइट के अंदर आता है वो मैं उसको यूज़ नहीं करता मैं सिर्फ इसी एलिवेटर से मेरी सारी एक्सट्रक्शंस पॉसिबल हैं फ्रेंड्स ये इंस्ट्रूमेंट्स मेरे क्लिनिक के अंदर मोस्टली यही यूज़ होते हैं और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग केस में अलग अलग टाइम पे यूज़ करते हैं हुए जैसे लग्जेटर्स की किट है मेरे पास क्यूरेट्स की किट है स्टाइल इटेलिनों के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो धीरे धीरे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर दिखाता रहूंगा फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें और आपको यह वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल